मैं कनी राजा बेसिकली तमिलनाडु से हूँ और पिछले 30-32 साल से मैं राजस्थान में यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेब्रिटी इन चर्च। शुरू से ही मेरा रुचि आध्यात्मिक की तरफ मेरा देखने का रहा है। मैं तमिलनाडु में अपना विवेकानंद जी को भी समझने के लिए गया, फिर उनके गुरु को समझने के लिए भी गया कि रामकृष्ण जी को भी पढ़ा है। फिर यहाँ आने के बाद भी मेरा रुचि रहा है कि भाषा की वजह से मुझे यहाँ पे जो तकलीफें आई तो फिर मैं भाषा भी सीखा और यहाँ पे मैंने ब्रह्म कुमारी इसके वहाँ पे भी गया। फिर ओशो को पढ़ने के पश्चात मेरा बहुत सारे समस्याएं खत्म हो गई। ओशो का मैं ऑर्डेंट फॉलो खूब सुनता हूँ और ध्यान भी किया है, लेकिन मैं ध्यान के करते वक्त ध्यान में विचार के देखने के लिए ओशो कहते हैं और सभी प्रभु तो लोग बुद्ध भी कहते हैं विचारों को देखो, लेकिन देखता तो था लेकिन उसमें बह जाता था। तो कितना समय हम शांत बैठते हैं, बाहर आने के बाद बहुत बड़ा थकाव सा महसूस होता है, महसूस होता था और समस्याएं वही की वही खड़ी रहती थी, लेकिन ध्यान करने से थोड़ा सा शांति तो मिलता था, थोड़ी देर के लिए देख पाते थे लेकिन बह जाते थे। मेरे कई सारे को एक्सप्लोरर इसी समस्या से पीड़ित थे। फिर यूएचवी काफी समय से था कि लेकिन मैं समझ रहा था कि ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या अटेंड कर पाएंगे, ये तो लोग बाग ऐसे लाइटली एक बार ऑन करके फिर कहीं चले जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मानना पड़ेगा कि आप लोग भैया कि यूएचवी टीम को बधाई देना पड़ेंगे, इस सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज कर रखा है, एक सेकंड भी इधर उधर से गया नहीं उसका, कहीं भी कोई नंबर नहीं आ सकता, सर्टिफिकेट नहीं आ सकता, समझ भी नहीं आ सकता। तो मैं पहली बार में ही पूरा नोट्स कोर्स ढंग से बनाया, मेरे को किसी ने बताया भी नहीं था, लेकिन फर्स्ट सेशन अटेंड करते ही मेरे को समझ में आ गया ये कुछ सही चीज है। तो उसको और अच्छी तरह से समझने में मेरे को उत्तर देने में भी बहुत आसान रहा, लेकिन मुझे दिक्कत तो हुआ था थोड़ा सा हिंदी में इंग्लिश में, तो लेकिन मैंने मैनेज कर लिया क्योंकि पहले अटेंड किया हुआ था। बहुत अच्छा रहा, मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला। आगे UHV2 करने का इरादा था लेकिन ऑनलाइन में हो नहीं पा रहा था, ऑफलाइन में हो रहा था तो मैं नहीं जा पाया। एक्सरसाइज 1 एंड 2 मेरे लिए इतना बड़ा वरदान रहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मॉर्निंग सेशन में होगा क्या। जब मैं कनेक्ट हो गया, 2-3 दिन कनेक्ट भी नहीं हो पाया था, मेरे को लिंक भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मिला मैं कनेक्ट हुआ मैं समझा कि ये तो एक बहुत बड़ा काउंसलिंग सेशन चल रहा है, लोग अपना समस्या लेके आते हैं यहाँ पे, बहुत आनंद आ रहा है, ये तो साइकोलॉजिकल क्लासेस चल रही है। और मैं भी रिलेट कर पा रहा था, मेरे भी समस्याएं मैं बताने लगा, मुझे मालूम नहीं था ये कैसा सिलेबस रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़े एक्सरसाइज आए, एक्सरसाइज में तो और आनंद आ गया अपने विचार को देखना, और वही मेरा प्रॉब्लम रहा, मैं देख तो पा रहा था लेकिन उसमें बह जाता था। फिर मैं अगर ईमानदारी से बात बताऊं भैया कि अगर आप लोग 3 महीने का मॉर्निंग सेशन होते थे मैं तो कभी ज्वाइन नहीं करता, ये तो ऐसे कैसे गए, मेरा उंगली पकड़े फिर हाथ पकड़े मेरा पूरा शरीर पकड़ ले, ऐसे वाली एक नशा सा चाह गया कि हम पूरा पूरा इसमें इन्वॉल्व हो गए। कि मैं तो पहले इंग्लिश वाले सेशन के लिए रजिस्टर किया था हिंदी के लिए, फिर देखा इंग्लिश भी अटेंड कर रहा हूँ हिंदी भी अटेंड कर रहा हूँ, बहुत मजा आया क्या। और यूएचवी टीम को इतना कृतज्ञता मिल मन से उभरता है कि मैं एक एक चीज को मेरे लिए ये इतना पेशेंस से सुना और मेरे समस्याओं को हल मिला और मेरे साथी फेलो फॉलोअर्स, कई बार ऐसा भी महसूस हुआ यार ये समस्या आपके अंदर है, इसको पूछूं या नहीं पूछूं, कोई और
किसी का समय ना व्यर्थ करूं, और पता चला मेरा उन लोगों ने मेरे ही सवाल पूछ लिए, बड़ा आनंद आया। अब एक्सेस वन में मैं अपना मैंने कुछ लिखा है, और भी मेरा बहुत अच्छा लगा कि मैं दो बार लिखा है कि मैं स्वयं को देखना चाह तो मेरा अवेयरनेस बना रहा। इस एक्सरसाइज में मेरे को बहुत मदद मिली, और स्टेप वन में मैं अपने विचार को देख पा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जितना भी एक्सरसाइज देते थे और असाइनमेंट देते थे, मैं बहुत उसमें कई बार नकारा निकला कि 50 साल के ऊपर आने के बाद भी हम अपने एक्सरसाइज कर नहीं पाए, असाइनमेंट्स कर नहीं पाए। तो मेरा बोध आया कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को कैसे डांट देता था कि आज एक्सरसाइज करके नहीं आए, तो और आप लोग इतना प्रेम से आज नहीं कर पाए तो कल करो, अपना जर्नल लिखो। मैं 2-3 दिन तक तो लिख नहीं पाया, मैं तो देख लिया, फिर क्या दिक्कत है, ये लिखना क्यों। जब लिखने बैठा कि मैं मेरे को तो 10-1 पॉइंट दिखा, कई लोगों को 20 पॉइंट दिख गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवीलिंग सा रहा। और मैं एक गुस्सेल व्यक्ति और स्ट्रिक्ट व्यक्ति, ऐसा एक नाम कॉलेज में कमा रखा था, तो उसकी वजह से जो तकलीफें होती थी बच्चों को, वो मैं सुनता ही नहीं था, बिल्कुल रूल इज रूल, रूल को फॉलो करना। अब मैं अपना विचार को देखा और मैं अपने को कैसे जस्टिफाई करता था और बच्चों को मैं कैसे ट्रीट करता था, उसमें बहुत सारा अंतर था, वो मेरे को दिखने लगा। और दूसरा स्टेप में इसके पीछे का भाव, भाव को जब जैसे ही देखने लगा, मेरा विचार स्थिर होने लगे। हमेशा विरोध का भाव बना रहता था या पूर्व आकलन बना रहता था, तो वो चीजें मेरे को स्पष्टता से नजर आने लगी कि ये ऐसा पूर्वाग्रह से होने से कि काफी दिक्कतें आती। हर आदमी रोज एक जैसा नहीं रहता है, और व्यवहार में कि आप जीवन में या परिवार में और वर्किंग प्लेस में काफी दिक्कतें कम होने लगी। और स्टेप 3 में मूल्यांकन में मेरे भाव और विचार को ऐसे ही मूल्यांकन करने लग गया, मैं उसमें आराम में हूँ या नहीं हूँ ये देखने लगा मुझे कि मैं काफी समय में आराम में नहीं रहता था। मेरे को कोई मेरे साथ गलत कर दे तो विचार मेरे को महीने भर तक चलता था, इसको कैसे ठीक करना। लेकिन अब मुझे दिखने लग गया और मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, काफी कोशिश करता हूँ कि रेस्पॉन्ड करूँ। ये मेरे लिए UHV से बहुत इजीली मिला। और इस भाव को कौन तय करता है स्टेप 4 में, कि मैं देखा कि यार ये तो उठा के मेरे ऊपर ही फेंक दिया कि सारे के सारे जवाबदारी मेरे ऊपर ही बन रही है इस, और इतना धीरे धीरे लेके गए कि ये स्टेप्स कि हर चीज के लिए जवाबदारी मेरी ही है, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा। तो ये दिक्कत तो मेरा दुखी रहने का सेशंस कम होने लगा। पहले तो घर पे भी झगड़ा होता था, महीने महीने भर तक हम बात नहीं करते थे। अब हमें देखने लगे हैं कि उनका भी इंटेंशन सही था, मेरा भी इंटेंशन सही था, फिर कौन बड़ा है ये तय हो रहा, उसकी वजह से ये कौन सही है कि वो उनकी तरफ से वो सही है, मेरी तरफ से मैं सही हूँ। लेकिन उसकी वजह से दुखी तो दोनों ही रह रहे हैं, लेकिन सही एक्चुअल किया है वो भाव दिखने लगा, और भाव के पीछे का वजह देखने लगा। तो और मेरे को दूसरे लोग अभी जैसे कोई बाहर की परिस्थिति या बाहर की घटना या बाहर के व्यक्ति मेरे को ट्रिगर करते थे, वो ट्रिगर मेरे लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि जब भी कोई नया असाइनमेंट मिलता था कॉलेज में, मैं बहुत बड़ा बोझ बना लेता था, क्योंकि मेरे को सभी लोग अप्रिशिएट करते थे कि सिंसियर वर्कर, क्योंकि साउथ इंडियन सा सिंसियर वर्कर एक ऐसा बना हुआ है, उसको मैं खरा उतरता था, इस कॉलेज में मैं ही अकेले साउथ इंडियन। लेकिन उस चीज को मैं खुद ही मेरा मापदंड बहुत ऊंचा रख लेता,
और उसके अप्रिसिएशन दूसरे से मिलना चाहिए, ये अपेक्षा, ये मेरा दुख का बहुत बड़ा कारण था। अब यूएचबी के बाद मेरे को नया असाइनमेंट मिला कि कॉलेज का स्वच्छता देखभाल करने का, 10 कर्मचारी मेरे अंदर में, इतना मैं विश्राम में हूं और चीजें अपने आप हो रही है, तो बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं चीजों को देख पा रहा हूँ। और वो लोग कभी काम भी नहीं करते हैं, थोड़ा कमी रह जाता है, तो उसको भी मैं पॉइंट आउट करता हूँ, लेकिन उसमें ये कि मेरा एक अपनापन रहता है, उनको मैं उनकी जगह पे बैठ के देखता हूँ और बीच में उनको डांटा भी है, लेकिन उस वक्त मैं मेरे को देखते हुए डांटता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा दिखाना जरूरी है इनको, तभी ये काम करेंगे। तो उनको भी ट्रेनिंग देना जरूरी है, ऐसा भैया ने बताया था बीच में, एक बार मैंने पूछा भी था सवाल, तो उनको कैसे ट्रेनिंग देना है कि मेरा हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो सभी तो वो कॉन्ट्रैक्टुअल लेबर है, वो एक एक को करके जब जब मौका मिल रहा है मैं थोड़ा थोड़ा उनके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। FI में निर्णय के आधार पर इस क्षण में मुझ में जो भाव है उसका निर्णय मैं ही लेता हूँ, ये भी मेरे को दिखता है। और ये मेरा पूर्व मान्यता के आधार पर है या कि सही समझ के आधार पर है, कि ज्यादातर मेरा निर्णय मान्यता के आधार पर वो हुआ करता था, यार ये व्यक्ति पहले भी काम नहीं किया, ये ऐसा नहीं करता है, पहले भी ऐसा ही है, क्योंकि अभी मैं मुझे देखता हूँ घर पे, मैं भी कई बार मोबाइल लेता हूँ तो कोई एक मैसेज के पीछे ऐसे घंटे निकल जाते और व्यर्थ की चीज, और मेरे बच्चा मोबाइल देखता तो मैं डांटता था। अब हमारे बीच में ये संवाद होता है कि पापा अभी, फिर मैं उसको जस्टिफाई ऐसे करता था, बेटा देख हमारा तो नौकरी वोकरी हो गई, कि हमें तो अभी कोई काम करना नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे जीवन आगे पड़ा है, लेकिन वो मुझे भी दिख रहा था कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। अब ये एडिक्शन धीरे धीरे मैं भी दूर कर रहा हूँ, कि और उसको भी मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ी देर तुम देख सकते हो लेकिन तुम्हारा समय व्यर्थ मत करना, ये उसको समझाने का मैं कोशिश कर दूं। और सबके साथ का जो संबंध मुझे दिखता है, और वो उनका भेदभाव करने का वो मेरे मन पहले रहता था कि वो क्या चीज फॉलो करते हैं, वो विरोध में रहते हैं, इस तरह के देख के उनको पक्षपात करने का भी रहता था, अब वो नहीं रहता है, दिखता है कि यार ये किसी भी चीज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी मानव है, उनके अंदर भी खुश होने का और भागीदारी करने का है, तो वो पैर आकलन करना मेरा थोड़ा थोड़ा आने लग गया। छह में कि मैं ये देखता हूं कि मेरा संबंध का भाव, मैं व्यवस्था में हमेशा या हार्मनी में रहता हूँ क्या नहीं, सह अस्तित्व का भाव, ये समझ बड़ी है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा समय में रहता है, अभी भी कई बार कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस वक्त तुरंत ठीक करने का रहता है कि रिएक्ट करने का आगे आता कि, लेकिन उस वक्त भी मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ये भी मुझे दिखा, लेकिन रिएक्शन को मैं रेस्पॉन्स में बदला थोड़ा सा, मतलब एक हफ सब तो कठिन कठिन डालना पड़ा, जरूरी है क्योंकि अभी का जो लोगों के अंदर का समझ है, उनका कंपिटेंसी है, उनको एकदम रुकना था, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा कुछ रेस्पॉन्स डाल रहे थे तो उसको स्टॉप करना जरूरी था, लेकिन उसका दो तीन एग्जाम्पल ऐसा कोट करके मैंने कहा है, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को कि भाई आपने, उसने गलत बोला था लेकिन आपने सही ढंग से उसको रिस्पांस दिया। ये मेरे को समझ में आ रहा है कि स्टेप 7 में कि मेरे अंदर सही समझ को बढ़ाना है और संबंध का भाव हमेशा बना रहना है, हार्मनी में रहने का मेरे उसको और कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना है, और सभी चीज सही सह अस्तित्व में है ये चीज भी मेरे को दिख रहा है, और इसमें जो और बढ़ाने की जरूरत है उसका भी मैं लगातार मेहनत करूंगा। एक्सेस 2 में जब मैं आया तब
मेरे को बहुत कुछ चीज से सवाल आए, क्योंकि मैं शरीर का कुछ वेदनाओं से परेशान था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और यहाँ पे भी बच्चों के साथ स्पोर्ट्स देखता हूँ। तो मैं बहुत ऊंचा मापदंड अपने लिए सेट करता हूँ, तो उस चक्कर में कि ये रहता था कि हमेशा एक्सट्रीम कर जाता था और 50 साल के ऊपर हो गया। मैं जब लोगों का अनुभव सुना, अभी कई लोगों का, कई दीदी का, कभी भाई लोगों का मैंने सुना है, उन लोग किस तरह के वेदनाओं से गुजर रहे हैं, फिर भी वो मैं मेरा पेन को बहुत बड़ा चढ़ा के देख लेने शुरू किया। अब जैसे ही कुमार भैया ने वो एक्सरसाइज बताया, 20 मिनट आपको हिलना नहीं, ऐसे ध्यान मैंने पहले किया हुआ था, लेकिन इस बार जो मैंने किया है उसका एक अद्भुत परिणाम मिला कि मैं बहुत समझ के साथ उस ध्यान को देख पाया और मेरा शरीर का संवेदना और मेरा कि मैं क्या संकेत दे रहा हूँ, इन चीजों को भी मैं देख पाया। और मैं 20 मिनट पहली बार कि बिना हिले डुले और मेरे विचारों को देख पाए और शरीर को मैं भूल गया, भूल गया इन द सेंस शरीर का संवेदना को मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं उसको कि अर्थ नहीं दे रहा। पहले तो जरा सा भी हो जाता था, मैं ये कंफ्यूजन में रहता था कि मैं चेंज कर रहा हूँ या शरीर चेंज कर रहा है। ज्यादातर शरीर ही चेंज कर रहा था लेकिन मैं उसमें अपने आप को धोखा दे देता था कि मैं चेंज कर रहा हूँ या इसमें एडजस्ट करना जरूरी है। वो अब बहुत बड़ा, पहले भी आनापान सतयोग भी किया था कि, लेकिन इस बार करने का आनंद अलग ही था। तो ये शरीर को देखते देखते शरीर का जरूरतें समझ में आने लगा, मन का मेरा जरूरतें समझ में आने लगा, अंतर दिखने लगा। लेकिन मैं फूड के विषय में बहुत चूजी हूँ, इसलिए कि मेरे को अमेबियस एक प्रॉब्लम है स्टमक का, उसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में पूरा क्रैम्प्स रहता है। तो कभी भी तो मेरा खेल कूद बंद हो गया कुछ समय से, मतलब लगभग 1.5-2 साल से, और उससे मैं फ्रस्ट्रेट रहता था क्योंकि मैं बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव कह सकते, तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलता हूँ लेकिन मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, दौड़ता हूँ वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे विचलित रहता था। लेकिन अब मेरा शरीर से जो पेन आते हैं उसको मैं देख पाता हूँ कि और मैंने कहाँ गलती की है, शरीर और मन का बीच का मेरा संबंध, मैं शरीर तो एजिंग हो रहा है, मन अभी भी मेरा युवा है, उसकी वजह से बच्चों के साथ रस्सी में भी चढ़ गया था, तो उसमें मेरा करीब 3-1 महीने का भयंकर पेन रहा। तो ये मैं देख पा रहा हूं कि मैं ही दृष्टा हूं, कहता हूं और मेरे शरीर को भोग सकता हूं, लेकिन मैं कई बार शरीर के साथ बह जाता हूं क्योंकि स्विच के साथ मेरा कि बहुत बड़ा वीकनेस है, तो मैं जब स्विच लेना शुरू करता हूं तो अनकंट्रोल ले लेता हूं। लेकिन अब मेरे इसमें यूएचबी में आने के बाद मैं देख पाया कि कई जगह पे मैं खाने के लिए गया, वहां सिंपल भोजन लेके मैं बाहर आ गया, तो बच्चे पूछने लगे कि ये कैसे है? अभी मेरे को नहीं लेना है, मेरे शरीर को ये सूट नहीं करेगा। तो अभी बाहर का खाना पहले अच्छा लगता था लेकिन काफी समय से मैं ये कचौरी वगैरह खाता नहीं था अपने आप को, क्योंकि मेरे शरीर को सूट नहीं करता था। तो अब मेरे को ये दिखता है कि ये मेरे शरीर को मेरे को चलाना है, उसको सदुपयोग करना है, तो उसके लिए क्यों अनुरूप का भोजन ही मुझे लेना है। तो इस तरह का मेरा ये शरीर का और मैं का जो संबंध है वो दिखता है, लेकिन इसमें काफी और स्पष्टता का देखने का और प्रयास करने का है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि अभी तो मेरा इतना आदत हो गया है कि सुबह 5:30 बजे अपने आप नींद खुल जाता है और ये 2 घंटे नहीं सुनता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा नहीं लगता।
एक तरह से मेरा हैबिट ही बन गए। तो अभी मैं जैसे ही पता चला कि अगला सेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि पिछले सेशन में मॉर्निंग सेशन में कुछ इनिशियल पार्ट मेरा छूट गया, तो इस बार मैं वापस लिखने बैठा, आपकी पीपीटी देखा, तो काफी चीजें मेरे को वापस रिवाइज करते बाद सब कुछ देखा कि यार ये चीज इतना स्पष्ट है। तो अब इन शब्द के हिसाब से ही नहीं समझे कि इसका पूरा अर्थ को भी समझ के अपने अंदर उतारने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा कि, और ये 8 तारीख से उसके लिए भी मैंने रजिस्टर कर लिया और मैं पूरा उसको आगे बढ़ाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर क्या हुआ है उस के देखें, हाँ यह ऐसा अस्तित्व में कि स्पेस में रहने का, उसको देखने का, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मछली सागर में रहता है ऐसे हम स्पेस में रहते हैं। इस चीज को थोड़ा बहुत तो मैंने कभी कभी ध्यान करते वक्त महसूस किया, लेकिन इतना मैं ऑथेंटिकली नहीं कह पाऊंगा कि मैं स्पेस को देख पाया। आगे देखने के प्रयास करूंगा और मेरे अंदर ये क्षमता आएगा, ये भी मेरा विश्वास है कि, और मैं इसमें लगा रहूंगा तो मैं ये समझ पाऊंगा, ये भी मेरे को समझ में आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में बहुत कुछ आ गया है कि ये मेरा व्यवहार अभी बहुत बदल गया कि, और संस्थान में भी अभी जहाँ भी कार्य करना है, बच्चों को पहले क्लास में लेट आ गए थे सीधा बाहर भेज देता, काम नहीं करके आए तो उनका रजिस्टर उड़ता था, कई बार हाथ पैर भी चल जाता था। कि अब वो ऐसा नहीं रहता है, मैं कभी बच्चों के पास में जाके खड़ा रहता हूँ तो वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते थे, उनका हाथ कांपता था। उसको देख के मेरे अंदर भी पीड़ा हुआ है, यार मेरे मेरे को कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति मेरे को ऐसा ट्रीट करे, मेरे को कितना बुरा लगता, ये लड़के इतना कमजोर है। मैं ऐसा समझता था कि वो गलत है, लेकिन मेरे दबाव की वजह से उनका ऐसा हो रहा है ये मेरे को महसूस हुआ, तो मेरा व्यवहार में चेंज हुआ। अभी अब मैं उतना ही स्ट्रिक्ट रहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ वो भागीदारी के साथ, भाई उनको समझा के भाई ये काम करना है। अभी कई बार बच्चे होमवर्क करके नहीं आते, बिना समझ के ऐसे ही कॉपी उठा के लेके आते हैं, गुस्सा आता था पहले, एकदम रिएक्शन होता था, ये ऐसे के साथ, लेकिन अब ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि यार हम भी जब 50 साल के बाद जब यूएचपी कर रहे हैं, कई बार हमारा कुछ ना कुछ वजह की वजह से हम नहीं कर पाए, कई बार हम ये समझ लिए थे कि हमें तो आ गया अब इसको लिखने की क्या जरूरत, अब ये बच्चे भी तो कर सकते, तो ये स्पष्टता से दिखने लग गया कि सामने वाले का स्थिति को आकलन करने का, उसको रिएक्ट नहीं करने का, ये मेरे लिए बहुत बड़ा यूएचपी का देन है और इसकी वजह से मैं बहुत सुखमय में हूँ और काफी कुछ मेरे व्यवहार बदल गए कि दुखी नहीं रहता हूं मैं दूसरों का व्यवहार भी। इस हमारे संस्थान का हम देखते थे कि सब वेस्ट इकट्ठा करने का हमारा बहुत गंदा तरीका था कि सभी का कॉलोनी के गली के साइड में एक डस्टबिन हुआ करता था और उसी में सब वेस्ट डालते थे। 20-30 साल हो गए, सभी पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर लोग, लेकिन कुत्ते बहुत होते थे कि वो वेस्ट सब रोड पे आ जाते थे। काफी समय से मैं लोगों को बताया यार ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये बहुत गंदा है, हम ऐसा नहीं रहना चाहिए, गंदे पैड्स, गंदे कचरा सब रोड पे पड़ा है, छोटे बच्चे उसके ऊपर ही पैर रखे जाते। तो फिर जब मेरे पास मौका आया तो हमने इसको घर घर इकट्ठा करने का एक दिया, लेकिन कुछ लोग उसको परेशानी समझते थे, कुछ लोग अभी भी ऐसे, उनका इनकम्पिटेंसी इतना है कि वो लोग कचरा को हाथ नहीं लगाना, अपना घर का कचरा का हाथ नहीं लगाए, ऐसा सोच के वो कचरा का कहीं भी फेंकते। फिर उनको भी धीरे धीरे समझा के उनको भी अल्टरनेट वेज दिया है। अब हमारा सरकारी स्वच्छता का गाड़ी आती है हमारे यहाँ पे, उससे एक खाली हो जाता था और हमारा वातावरण यहाँ पे बहुत स्वच्छ हो गया। तो इस तरह का मेरा यात्रा में मैं मेरा खोज का काम में भी मैं ये अपने आप को देख पाता हूँ।
सबसे बड़ा परिवार में ये मेरे लिए एक वरदान ये रहा कि मेरा बच्चा मेरे से डरता था। गणित में उसको पढ़ाता था तो वो डरता, तो वो उसके बाद मेरे से गणित पूछता ही नहीं। अब वो पहली बार इस साल मैं बोला उसको कि तुम गलत करेगा, तो वो एक टेक्निक ही है, उसकी वजह से मैं तुम्हारे बारे में आकलन नहीं करूंगा और अभी मारूंगा भी नहीं और मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं। हम उसको अटैक करते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, उसका अपन कंपिटेंसी कैसा बढ़ाए। तो वो बहुत बड़ा बढ़िया बात रही। अब वो इस बार से खुद 5 बजे अपने आप उठ जाता है और वो 1 घंटा ये एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, वो अपना कंपिटेंसी बढ़ा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मैं रिश्ता सुधारा परिवार में भी, और आगे भी ये प्रयास रहेगा। और भगवान की दया से मेरा बेटी अभी नौकरी कर रही है कि, और बेटा भी 9th स्टैंडर्ड में। मैं कभी बच्चों के ऊपर ये दबाव नहीं डाला कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, क्या बनो। ये मेरा अंदर पहले भी आशा था, कुदरत ने सबको जिस जन्म दिया है वो अपना अपना यात्रा करेंगे, उसमें मेरा कभी कोई अपेक्षा भी नहीं रही, कभी कोई पोस्ट भी नहीं रहा। तो ये रहा। और मेरा कमिटमेंट बताएं तो मैं यहाँ पे, ओशो ने एक कहा था कि इस जीवन में आए, इस धरती में आए, अब धरती जब छोड़ोगे उसको थोड़ा सुंदर बना के जाओ। तो ये मेरे को बहुत अपील करता है कि मैं यहाँ पे इस संस्थान के प्रांगण को हरा भरा करने में लगा हुआ और इसका स्वच्छ बनाने में लगा हूँ। और बच्चों को जब मेरे को स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज दिया, तो 2 साल के अंदर मैंने सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चालू करवा दिए और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स का स्पॉन्सरशिप लाके बच्चों के अंदर जोश भरने के लिए प्रयास किया है और सबको अच्छा वातावरण दे रहे हैं और इसमें काम में लगा हूँ। और यहाँ पे हम ग्रीनरी भी बहुत अच्छा मेंटेन करने में लगे हुए हैं, और मियावाकी फॉरेस्ट हमने एक यहाँ पे 350 पौधों का लगाया है और वो 1.5 साल के अंदर ही 12-15 फीट का हो गया। और इस तरीके से इस शहर में भी, हम आसपास में भी कई सारे मियावाकी फॉरेस्ट लगा रहे हैं और उसमें हम लोग एक ग्रुप भी बना रखे हैं, उसमें भी काम कर रहा हूँ। आगे ये सोचा है कि UHV में और अच्छा काम करना है, तो अभी 6 तारीख से भानु भैया, भानु प्रताप जी आ रहे हैं हमारे कॉलेज में। 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का हमारा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का इंडक्शन प्रोग्राम में वर्कशॉप रहेगा, उसमें करीब 220 का कैपेसिटी है। तो उसका मुझे कोऑर्डिनेटर बनाने का मैंने आग्रह करके आगे से लिया है, तो इस तरह का कार्य करने का है। मैंने वॉलंटियरिंग करने का भी 2-3 सेशन, कई सारे सेशन अटेंड करता हूँ। साउथ का वो शरीर का बारे में, हेल्थ के बारे में, वो फ्राइडे जो रहता है वो भी रेगुलर अटेंड करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, उससे भी मेरा समझ बढ़ा। अब बात ये है कि कॉलेज ऑन हो गया तो इसलिए कुछ वॉलंटियरिंग में नहीं कर पा रहा हूँ ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। अभी कॉलेज का समय सेटल हो गया, 9 से 4 रहता है, उसके बाद का कोई समय देना रहेगा तो उसमें जरूर मैं भागीदारी करूंगा। मेरी तरफ से इतना ही भैया, बस इतना है कि शर्मिला दीदी का, गणेश भैया का और कुमार भैया का इतना मन से आभार निकलता है कि इतना पेशेंटली सबका सुनते हैं और सबका जवाब देते हैं। मैं भी ऐसा बनना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ईमानदारी से रखा गया, स्पष्ट रूप से और बारीकी से किया गया शेयरिंग है भैया। बहुत ही प्रेरणादायक, मुझे लगता है आपकी शेयरिंग से अपने कई साथियों का और ध्यान गया होगा, कैसे हम और बारीकी ला सकते हैं अपने ऊपर ध्यान देने में। और आप में जो परिमार्जन हुआ है आपके व्यवहार में, आपके कार्य करने के तरीके में, आपके अंदर शुरू से ही ज्ञान के लिए एक खोज रही है, और संस्कार ने भी आपको काफी सहयोग किया है पूरी बात को समझने में। बहुत ही सुंदर भैया। समय धन्यवाद। की थोड़ी सीमा है, मैं कई साथियों का रिफ्लेक्शन यहाँ पे लेता, बट एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगली शेयरिंग को शुरू करेंगे। जी, अरुणा गुप्ता जी।
नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। कनी राजा भैया, मैं जिनको कनी राजा सर बोलती हूँ शुरू से, बहुत ही मतलब इनमें चेंज देखा है मैंने। और भैया को हमेशा मैं लिंक भेजती थी और मॉर्निंग सेशन का भी, जो भैया में गति जो देखी बहुत तेजी से। और मैं और भैया जब बात करते हैं तो पहले जो हमारे विषय थे वो मतलब जैसे समझ लीजिए प्रॉब्लम बेस्ड मुझे लगता है शायद होते थे। मैं भी भैया से प्रॉब्लम शेयर करती थी अपनी, लेकिन अब हमारा जो बातचीत का जो हमारा विषय है और मतलब मुझे लगता है वो सोल्यूशन बेस्ड अब बात करते हैं। भैया भी सोल्यूशन पे बात करेंगे और तो और बातें हमारी थोड़ी शॉर्ट हो गई, पहले थोड़ी लंबी होती थी। तो वो भैया मैं देख पाई। और भैया बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कनी राजा भैया, और बहुत बढ़िया, बस इतना ही मुझे कहना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज सुन के, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी शेयरिंग थी भैया आपकी, और बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रेरणास्पद थी वो। थैंक यू भैया। मैं मॉर्निंग सेशन में जुड़ने के लिए भी अर्ना मैम ही कारण था, और मैं ये वहां पे पंजाब में जाके मेरा एमटेक डिग्री किया था, तो मैम मेरा एचओडी साहब के वाइफ थी, वहां पे इनका जो व्यवहार था ना कि ये लोग उस वक्त में यूएचवी से जुड़े भी नहीं थे। एक परिवार के अंदर जो स्नेह ही रहना चाहिए और दूसरे के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए। मैं वहां जाने के बाद सर्दी से इतना परेशान हो गया था, वो 3-4 साल मैंने जो गुजारा जिंदा रहा उसका कारण अरुणा मैम ही थे। तो हमारा कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का कुछ रिश्ता रहा है। एक मेरा बहन जैसे ये वहां पे मेरे को केयर की है, तो मैं हमेशा कृतज्ञता रहेगा मेरे दिल में। इनकी वजह से मेरा यात्रा में बहुत मिली। धन्यवाद भैया। ये सब यूएचवी का ही प्रभाव है, 12-10 साल से जुड़े हुए हैं हम लोग और वो प्रपोजल्स को सुन रहे हैं और जीने की कोशिश करते हैं भैया। तो थैंक यू यूएचवी और सभी टीम को जो हमारा जो हमको प्रपोजल्स इतने अच्छे से हमारे सामने रख रही है पूरी टीम और हम उसको देख पा रहे हैं, बस यही कहूंगी मैं। बहुत ही सुंदर, समय और होता तो हम लोग और रिफ्लेक्शंस लेते और भी कुछ बातें सुनने को अपने को मिलती।